बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तुसी वेख रहे हो देसी व्लॉग 511। तो मैं हूँ तुहाडा होस्ट, तुहाडा दोस्त मुहम्मद रहीम यार। नाज़रीन, जिस तरह तुसी जानते हो कि असी मुख्तलिफ अदाकार, फनकार, सिंगर, नातखवां, कारी हज़रात, दुनिया के जिन्हें भी शोबे ने उन्होंने ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाल थोड़ी मुलाकात करवाते रहने हैं। तो इस तरह ही अज एक बड़े ही खूबसूरत अदाकार, फनकार, सिंगर भी ने, माशाल्लाह नात खां भी तुसी कह सकते हो, नात भी हजूर दी पढ़ते हैं। तो अज साडे नाल जरीफ फैमिली के चश्मो चिराग जनाब रजा जरीफ भाई अज साडे नाल मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। रजा भाई, की हाल चाल है? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहले तो मैं अपनी तरफों और अपनी पूरी टीम की तरफों तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुसी अपने कीमती वक्त के टाइम कढ के ना साडे को तशरीफ लै के आए। जी वेलकम सर, वेलकम। अच्छा रजा भाई, सब तो पहले मैं क्योंकि मैं बेसिकली थानू जानना, तो मतलब फैमिली के भी हिस्सा मैं तो खुद, तो मैंने दसो भी ना सब तो पहले हमदे बारे तला अगर हो जाए, तुसी बड़ी खूबसूरत पढ़ते हो। जी बिल्कुल जरूर सुनावांगे थानू। और देखो जी, कोई भी काम शुरू करने तो पहला तो सब तो पहला तो अल्लाह पाक की तारीफ, वो हजूर की तारीफ वो होनी चाहिए पहले, उस तो बाद फिर बाकी के सारे काम। बहुत शुक्रिया। तो जी मैं थोड़ा सा मैं जरूर सुनावांगा तुहानू। तेरे रंग रंग, 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 ये रंग रंग मौला रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, हर सू हर जा, हर सू हर जा, तेरे रंग रंग, 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 तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया, ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया, देता ही गया, मुंह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, जो सच्चाई को धुंधला दे वो गर्द से, सॉरी फिर दोबारा करना पड़ना है, एडिट कर ले। हाँ हाँ नहीं, इतो तुसी कर लो ना कि मैं जात पात इतो, हाँ क्योंकि वो फिर एडिट हो जाए। ठीक है जी। मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से हटा हुआ, शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं, तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे, वो रूह हर जिस्म की जंग जंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, वे बुलिया असा मरना नहीं, गौर ब्या कोई हो, गौर ब्या कोई हो, ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, की जाना मैं कौन, की जाना
बुलिया असा मरना नाही गौर ब्या कोई हो गौर ब्या कोई हो। सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है रजा भाई बहुत शुक्रिया हमद वास्ते। रजा भाई सब तो पहले तो ये दसो कि फनी करियर का आगाज थोड़ा कदों होया। रहीम भाई कुछ तो थानू पता एक बलैड का होंगे। हाँ जी तो जो तो मेरे व्डे माशाला करते आ रहे हैं और दुनिया उन्होंने इन्ना यानी कि प्यार दिता इन्ना मतलब समझ लो कि साढ़े एक घर की खेती कह लो। मेरे चाचिया ने भी मेरे वाला साहब ने भी मतलब ए वाला आगाज किया और अल्लाह पाक ने उन्होंने इन्नी कोई इज्जत बख्शी कि अज उन्हों का जूठा सारे खा रहे हैं। जी ठीक है जी हिंद सिंध खा रहा वे पूरी दुनिया के उत्ते उन्होंने कॉमेडी चलती है। तो बस ये कुदरती तौर पर मेरे अंदर यह चीज़ से लेकिन मैं इस चीज़ तो काफ़ी दूर है स मैनू ने से इस चीज़ का मतलब ना तो कोई इन्ना पता से इलम से ते ना मेरा इधर कोई रुझान से लेकिन अंदर टैलेंट जरूर है। मैं अपना बिजनेस शुरू किया था सी ते फिर दोस्त आते सन तो फिर देख के तो कहते रहे यार तू तो पूरा मुनव्वर शरीफ है तो तू क्यों नहीं इस पास लाता फिर अपने बड़ियां दी याद नूं जरा ताज़ा कर तेरे च माशाल्लाह टैलेंट भी है। फिर रहीम भाई काफ़ी दोस्तों ने फिर जो मैंने इसरार किया तो फिर मैं इस फील्ड के आया और जो इस फील्ड के आया वा तो दोस्त भी माशाल्लाह सब देख के तो हैरान हो गए ने जिन्हें भी मतलब मिलने वाले या निसन मिलने वाले जिन्हें मैंने फर्स्ट टाइम भी देखा वह भी देख के फिर इन्ना उन्हें मैं प्यार दिता है और जो तो फिर मैं मिलना वा तो उदो कोई सैल्फियाँ लै रहा है कोई मतलब बहुत इज्जत दे रहा है कुछ कोई खाने खिला रहा कोई दावत दे रहा मतलब इस तरह का एक मामला शुरू हो गया। मतलब असल च दोनों वेखिए तो पहली दफ़ा कोई बंदा जल्दी जजमेंट नहीं करता कि मुनव्वर शरीफ साहब खड़े ने या मतलब रजा शरीफ साहब खड़े ने क्योंकि मुशाबत ही अल्लाह ताला ने इन्नी बनाई है दोनों दे विच। और मैं तो पहली दफ़ा इन्हां दी तस्वीर देखी मैं कि यार मुनव्वर शरीफ साहब उन्होंने कहा नहीं नहीं यार उन्होंने मतलब ना तो मैं फिर दूसरा ना इस चीज़ को मैं मतलब ना फिर इन्होंने राबता किया मैं काफ़ी देर तो सलाम दुआ अच्छी बन गई और आते जाते ने लाहौर तो मिलते भी ने बड़ी इन्हों की नवाजिश है। तो अच्छा सब तो पहले कि फिल्म या ड्रामे काम किया मैं सर सब तो पहले फिल्म हैगी मेरी कराची की फिल्म से डरना नहीं वो फिल्म मैं की फिर उस तो बाद एक वजूद ड्रामा किया फिर एक जहालत ड्रामा वो किया फिर फिल्म की यराना पंजाब का फिर उस तो अलावा की फिर एक साहब वोटी का तो इस तरह बस जी हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी मैं एक फिल्म कर रहा वेल्डन पंजाबी और एक कर रहा वोटी दे गुलाम तो बस जी जैसे जैसे समझ लो कि दोस्त बुला रहे ने इज्जत दे रहे ने असी भी वो कर रहे हैं। तो रजा भी थोड़े तो बाद भी कोई अपना साहबजादा या थोड़ा कोई जानशीन है जो इस काम को संभालेगा जी माशाल्लाह बच्चे तो जड़े ने वो उत्थे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जी जिस तरह मैं पहले अर्ज की है कि वो एक ब्लड दे विच ही एक चीज़ बच्चे मेरे माशाल्लाह एक बेटा मेरा कॉपी करता है मैनू कॉपी करता फिर देख के कहता है कि मैं मुनव्वर शरीफ हाँ तो मैं वो पूरा यानी कि उस तरह हूँ मैं खाना खा रहा तो मैनू की कह रहा है बच्चा मेरा अबू तू सजू एक खबू ये रोटी किरे हाथ न खानी है मैं ये दस दे फिर मैं उस हाथ न तेन पानी भी लिया के पिलाऊ मैं सर देख मैं भाई तू तो साढ़े अगर निकलेगा माशाल्लाह बच्चे वैसे अजकल तो है नहीं टैलेंटेड नहीं कर सकने बस जी फिर वो चीज़ तो फिर नाल फिर चलती चलती रहती बिल्कुल। बाकी माशाल्लाह इन्होंने बच्चे पढ़ भी रहे हैं क्योंकि कुछ लोग होंगे ने कि जे मतलब इस पास लगे ने तो उन्होंने बच्चे हटा लिया चलो पुत्र ए हूँ कर लो उन्होंने भी अपने मतलब ना छड़ा हुआ मेरा पुत्र जोड़ा काम चंगा लगे ना वो कर लिया जे बाकी ब्लड में जोड़ी चीज़ भी अच्छा रजा भी एक सवाल मेरे जेन च आ गया कद क्योंकि तुम फनी मतलब कॉमेडियन हो तो जो बंदा होंगे वो घर के थोड़ा रवैया किस तरह का बाबी बच्चों कोई फनी है या नॉर्मल रेंगे हो। नहीं मैं अक्सरियत नॉर्मल रहना लेकिन ए जो फिर अपने मूड के आया हुआ हाँ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਈਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬੀ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਬਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜੁਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਟਰਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬੜਾ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਫਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਆਵਣਗੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਖਾ ਦੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੋਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਮੇਡੀਅਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀ ਅਗਰ ਕੋਮੇਡੀਅਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਮੇਡੀਅਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਮ ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਟਿਫਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵਕਫਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਮਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਨਕ ਹੀ ਲਾ ਲੈ ਮਾਂ ਜੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਲੈਂਡ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੇਖ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਬਸ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਫੀ ਖਾਵਰ ਉਰਫ ਨੰਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਮੇਡੀਅਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਜੀ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਮੇਡੀਅਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੱਗ ਗੁਬਾਰੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਦੁਆਣੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ
या कुछ भी होंगे ठीक है जी, ये एक साड़ा एक अपना अच्छा रजा भी साड़ी टाइम क्योंकि शो का टाइम बड़ा मुख्तसर जहा होता है जी, तो इंशाल्लाह थोड़े ना फिर इंशाल्लाह मुलाकात जारी रहेगी जी। तो एक जड़ा है ना जो थानू लगता हो रजा जरी मुनव्वर जरीफ साहब का को डायलॉग जड़ा है ना जी पावरफुल जो तुम कहो कि मेरे तो बड़ा यार सूट करेगा। अच्छा वो जी एक फिल्म दे विच नन्ना साहब नू नन्ना चारपाई दे लटाया होंदा ते सन्यासी बन के आंदे ने ठीक है, उन्होंने जिहड़े करिंदे होंदे ने डाकू जिहड़े होंदे ने चुक के उन्होंने लियांदे ने, तो एक कुली है कुली दे विच जिहड़ा ना उन्होंने लटाया होंदा है ते उत्थे आ के ते सन्यासी अंदाज दे विच बोलदे ने ਨਮ 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 ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਹਨੇਰੀ ਚੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫੜਫੜ ਕਰਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗਾਲ ਪਿੱਚੀ ਗੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਿੰਨੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਗਾਲ ਪਿੱਚੀ ਗੁੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਾਨੀ ਵਾਲਿਆ ਤੋਤਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੂੰਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕੂੰਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁਰਲ ਛੁਰਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। चलो जी इस तो बाद अगले प्रोग्राम च किसी नवे बंदे दे नाल नवे फनकार दे नाल नवे कॉमेडियन दे नाल तुहाडी मुलाकात करवावांगे। मैनू ते मेरी पूरी टीम नू इजाज़त दिओ, अल्लाह ने के बान ते दे वेखदे रहो देसी व्लॉग 511। इनू सबसक्राइब भी कर लेना, लाइक भी करना ते नाल कमेंट करके अपनी राय भी दित्ती करो ताकि असी जिन्ना इहदे च बेहतरी दे प्रोग्राम कर सकीए, इहदे च प्रोग्राम च बेहतरी लिया सकीए। असी कोशिश कर सकें कि तुहाडे तक तुहाडे मनपसंद प्रोग्राम पहुँचन। अल्लाह ने के बान फी मान अल्लाह।